안녕하세요 여러분. Hello friends. Assalamu alaikum. This is your host Hafiz Aslam and you are watching Korean language channel. Today we will learn about topic reading 160 most important paragraphs. First of all, I will read these paragraphs and you will follow me. Keep with me and listen this video till the end, because I will explain difficult words, grammar and so on. This video is related to those students who are learning Korean and visit to Korea, especially preparing topic exam. So are you ready? Let's go. 준비가 다 됐어요? 자, 시작해 볼까요? 먼저 듣고 따라 하십시오. 나중에 제가 설명하겠습니다. 이 사람은 어떤 남자를 좋아합니까? 이 아드미 किस किस्म के लोगों को पसंद करता है? 이 사람은 이 아드미 어떤 남자를 किस किस्म के आदमियों को 좋아합니까? पसंद करता है? 이 क्वेश्चन है जी, 질문. अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं. 저는 키가 큰 남자가 좋아요. 그리고 얼굴이 잘생긴 남자보다는 마음이 작은 남자를 좋아해요. 열심히 일하는 사람이면 더 좋겠지요? 지. 이 아드미 किस किस्म के लोगों को पसंद करता है जी. 저는 키가 큰, 키가 큰 कहते हैं लंबे कद वाला, बड़े कद वाला नमजा आदमी जो है वो पसंद करता हूँ. यानी मैं लंबे कद वाले आदमी को पसंद करता हूँ, बड़े कद वाले. कुरीगो और अलगोरी छल संगीन नमजा बदनन, और खूबसूरत चेहरों वाले और खूबसूरत लोगों की बजाय से बुधा कहते हैं दैन से, कंपेयर करने के लिए, मुआजना करने के लिए, निस्बत के लिए. मोमी छाकन नमजा रो छुआयो, और खूबसूरत आदमियों से मोमी छाकन नमजा रोल छुआयो, और अच्छे दिल के मालिक यानी कि अच्छे लोग जिनका करैक्टर अच्छा हो, जिनकी सीरत अच्छी हो, उन आदमियों को ज़्यादा पसंद करता हूँ. यानी खूबसूरत लोगों से ज़्यादा खूबसूरत लोगों को ज़्यादा पसंद करता हूँ. और यलची में इलाहरण सारामी म्योन थो चुगचियो, और मेहनत से काम करने वाला आदमी अच्छा होगा. यलची में मेहनत से इलाहरण काम करने वाला सारामी आदमी इम्योन अगर है तो थो चुगचियो ज़्यादा अच्छा होगा. यानी कि इसको किस किस्म के लोग पसंद हैं, जिनका कद लंबा हो और जो लोग अच्छे हों, मेहनत से काम करते हों. जी, अब हम इसके एमसीक्यूज़ को देखते हैं और बाद में आप इसका थेदब देंगे. खीगा खुगो माओमी छाखन नमजा, यानी लंबा कद और माओमी छाखन नमजा, और अच्छे लोग, अच्छे दिल के मालिक. खीगा खुदा लंबे कद वाला, ये गो एक कनेक्टर है, एंड के लिए इस्तेमाल होता है. माओमी छाखन नमजा, अच्छे दिल के मालिक, अच्छे इंसान, अच्छी सीरत के मालिक. इवन खीन उन छाकची मन अलगोरी छल संगीन नमजा, जिनका कद छोटा है लेकिन वो खूबसूरत है. यानी कि छोटे कद और खूबसूरत लोगों को, आदमियों को पसंद करता है. ये पहले में लंबा कद और अच्छे लोग, और दूसरे में छोटा कद, छकता छोटा, खुदा बड़ा, छकता छोटा. और संबन अलगोरी छल संगी गो मोमी छाखन नमजा, यानी खूबसूरत और मोमी छाखन नमजा, अच्छे दिल के, अच्छी सीरत के मालिक नमजा. अलगोरी छल संगी गो यल छिमी इरानन नमजा, और खूबसूरत, अच्छे चेहरे वाले,
और मेहनत से काम करने वाले आदमी। यलचिमी मेहनत से, इरहानल नमजा काम करने वाले आदमी। जी तो इसका छौंगदापन क्या है जी, आप इसको सोचें और लास्ट पे आपको इसके थेदब भी दिए जाएंगे। जी सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं। थामोन औदेसो बोलसो इन्नन आने मोने मिका, ये नीचे दी गई जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। थॉम मंदरजा जेल नेक्स्ट औदेसो कहाँ पर बोलसो इन्नन देख सकते हैं आने मोन इमिका इंफॉर्मेशन साइन। दोस्तों आपको इसके अंदर रोमनाइजेशन भी मिलेगी, जो लोग सही कोरियन नहीं पढ़ सकते, और आपको इंग्लिश में यंगोमल में इसकी एक्सप्लेन भी है, हमने कर दी है जी। फ्योंगशिरे सो छोजोंगी हाशिपशियों, पेशेंट के कमरे में खामोशी इख्तियार करें। फ्योंगशिर कहते हैं मरीज का कमरा, ये सो में छोजोंगी खामोशी हाशिपशियों करें। युद्ध छोना रोल साजों हाजी माशिपसी हो, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें। युद्ध छोना मोबाइल फ़ोन साजों इस्तेमाल करना हाजी माशिपसी हो ना करें। फ्योंगोन खोनमल आने सो थाम्बे रोल फ्योजी माशिपसी हो, और हॉस्पिटल की बिल्डिंग में सिगरेट ना पिए। फ्योंगोन खोनमल हॉस्पिटल की बिल्डिंग आने सो के अंदर थाम्बे रोल फ्योदा सिगरेट पीना, और ये जी मा नेगेटिव के लिए आपको रिक्वेस्ट की जाती है। थामिरल फ्योजी माशिपशियो आप सिगरेट ना पिए जी। ये एक इंफॉर्मेशन थी, और ये वो पूछ रहा है कि थामन औदी बोल सो इन्ना नानम, ये कहाँ पर, ये किस जगह पर लगे हुए थे। आपने सुना उन्हें बैंक में, कुकचंग थिएटर में, फ्योंगन हॉस्पिटल में, हक्यो स्कूल में जी। तो आपने इसका जवाब सोचा। तो ये 10 पैराग्राफ के बाद आपको इनका छौंगदापन दुरुस्त जवाब भी मिलेगा, लेकिन उतनी देर तक आपने सोचना है, इसको पढ़ना है अच्छी तरह, इसमें दिए गए अल्फाज को याद करें, और जो ग्रामर है उसको जा सके। जी मास शिपशियो ये नेगेटिव ऑर्डर के लिए होता है, नेगेटिव रिक्वेस्ट के लिए आपको है। जैसे हम आपको अक्सर कहते हैं हाजी मास शिपशियो, ऐसे ना करें हाजी माँ, ये रोगा हाजी माँ जी। थॉम पैराग्राफ संबंध ई सारामन ओनल छोनियोगे बोसल हाश हगिस्मिका, ये आदमी आज शाम को क्या करेगा जी। जी पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। छोनन ओनल आछिमे छिबानल छिबानल केकोशी छोंगसो हिस्मिदा खुरीको शीजांगे खासो खोगी व याचरुल ससमिदा चमचिम ते फुलगोगी व छपचेरोल मंदुल्योगो हमिदा ओनल छोनियोगे खोयांग चिंगुदोल छिब्रो छोदे है कित्ते मनिदा चिंगुदोल को ओरे मने छमी इक्के नलगिस्मिदा जी। ये पैराग्राफ छिपदूरी के बारे में जी। छोनन ओनल आछी में छिबानोल केकोशी छोंगसो इसमिदा, मैंने आज सुबह को घर की सफाई सुथराई की थी। ओनल आज आची में सुबह को छिबानल घर की केकोशी सफाई छंग केकोशी छंगसो हिस्मिदा सफाई सुथराई की थी। हिस्समिदा ये पास्ट टेंस है, ये ख्वागो है। खुरीगो शीजांगे खासो और बाजार में जाकर, शीजांगे खासो बाजार में जाकर खोगी व याचेरोल गोश्त और सब्जियां, कोगी गोश्त व और याचे सब्जियां ससमिदा खरीदी थी। ये को दो खागो है, पास्ट है। चमचिम ते फुल कोगी व याचेरोल मंदुल्यो को हमिदा, और दोपहर को मेरा फुल कोगी और छपचे, ये कोरियन डिशों के नाम है, फुल कोगी और छपचे बनाने का इरादा है। मंदुल्यो को हमिदा रेगो का इरादा है, मंदुल्दा बनाना, मंदुल्यो को हमिदा बनाने का इरादा है उसका, क्योंकि ओनल छोनियों के खोजंग चिंगुद्रुल
आज शाम को कोयंग होम टाउन के चिंगुदरुल दोस्त चिबरो घर की घर में या घर की तरफ छोदे है कित्ते मुनिदा घर पर इनवाइट करने इनवाइट किए जाने की वजह है। छोदे आधा इनवाइट करना, दावत देना, मधु करना, गीते मुनिदा इस वजह से मैं यह तैयारी कर रहा हूँ। यानी मैं बाजार भी गया, घर की सफाई सुथराई भी की और मेरा खाने बनाने कराता है, क्योंकि चिंगुदुल वा दोस्त तो के साथ ओरे माने ज़्यादा देर तक लंबी देर तक छमी के मज़े के साथ नुलगिस्मिदा उनके साथ फन करेंगे, रात देर तक हम उनके साथ खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। जी अब आप एमसीक्यूज इसके पढ़ते हैं और आपने इसका छंग दाम देखना है कि पैराग्राफ का छंग दाम बन गया है। इलबोन शी जंगे गमीदा बाजार गया था, इबोन छिंगू दुलगवा नुमीदा दोस्तों के साथ फन करता है, खेलता है। छिबानुल छोंगसो अमीदा घर की सफाई सुथराई करता है। फुलगोगी व छपचेरुल मंद उमीदा फुलगोभी फुलगोगी और छपचे बनाता है। जी तो इस पैराग्राफ का आपने छोंग दबन देखना है। क्या पूछा जाता है? ई सारामन ओनल छोनियोगे बोसल हकिस्मिदा, ये आदमी आज शाम को क्या करेगा? जी थॉम पैराग्राफ देखते हैं। खियोगे थ्रो खल मालो अलमाजों गुसल मौसमिका, यानी कि ये जो खाली जगह है फिन खने इसमें एंटर करने के लिए अल्फाज दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करना है आपने। दुरुस्त अल्फाज देखना है, अलमाजन दुरुस्त मौसमिका कौन सा है, यानी ये नीचे दिए गए अल्फाज हैं आपके मियन अमीदा खिंचन समीदा माशी माशी के तो शिपशियो छोमफिक समीदा, इनको हमने यहाँ पर कियो की जगह पे फिट करना है। और ये सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। पूरी ऐसा चिकदंग सारम द्रेगे खुगल थो छूनन आजो मनेगा समीदा, छमचिम छिगाने फाबल मगनन सारमी समैक म्योंगी नमगी ते मने आजो मने नन आजू फपमिदा खरची मान आजो मने नन औचे ना उसमें सो हन सारम दे और फिन खाने रागो मरमिदा खुरन आजो मने रोल बोम्यन खिबोनी छुआजिगो फम मत तो छुआजिमिदा। जी ये आंटी ये खाना बनाने वाली तैयार करने वाली आंटी की फैक्ट्री की इसके बारे में क्या बताते हैं जी कि हमारी फैक्ट्री में उरी हिसा शिकंग एनन हमारी फैक्ट्री के होटल में कि कैंटीन पर सरम द्रगे खुगल थो छूनन आजो मनेगा, यानी इस सूप बनाती है खाना बनाती है सरम द्रगे लोगों को खुगल खुगल खुक कहते हैं सूप को थो जूनन आजो मनेगा सुमिदा और हमारी फैक्ट्री के होटल में लोगों को सूप देने वाली आजो मनेगा सुमिदा एक आंटी है। छमचिम छिगाने फाबल मगनन सारामी सम पैगी म्योंगी नमगी ते मने आजो मने न आज फप उमीदा और दोपहर के टाइम लंच टाइम छमचिम छिगाने ना लंच टाइम में फवन मगनों चारमी और खाना खाने वाले आदमियों की तादाद सम पैक म्याम 300 आदमी से भी ज़्यादा है। नमगी नम नमीदा नमगीदा नमगी ते मुने ज़्यादा होने की वजह से आजो मोने न ये आंटी आज फप उमीदा बहुत मसरूफ़ होती है मसरूफ़ है खुरचिमन लेकिन आजो मोनी आज मन अंजेना और आंटी हमेशा अंजेना हमेशा उसमें उनसो मुस्कुराते हुए हन सारम है के एक एक आदमी को और खियोक में हमने की रागो मरमीदा बात करती है पूछती है जनाब कैसा लगा खुरन आज मोनिरल बोम्यन लहजा इस आंटी को देखते हुए खिबुनी छुआ जी को और मूड भी अच्छा लगता है हो जाता है बहुत अच्छा लगता है मन को अच्छा लगता है और फम मत तो छुआजिमिदा
और खाने का टेस्ट भी अच्छा लगता है, खाना भी अच्छा होता है। यानी ना सिर्फ उसका मूड अच्छा होता है बल्कि खाना भी अच्छा होता है। देखिए 300 आदमियों को एक बंदा अगर खाना दे रहा है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी खूनी चश्मीदा जी, तो इस खाली जगह में हम क्या लगाएंगे जी? मियाँ नमीदा जी, सॉरी करती है खिंचन सुमिता, ओके कहती है मासी के तुसे, मासी के तू शिपचियो, एंजॉय योर मील। हाँ जी, मज़े के साथ खाएं। छोम पे स्मिता, हाउ आर यू, फर्स्ट टाइम सी यू, नाइस टू मीट यू। जी आप देखें इस पैराग्राफ में आपने इन अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ चूज़ करना है, और बाद में आपको छोंकते वक्त हम भी बताएंगे जी। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ई सारामन ओंजे हंगू के बस मिका, ये आदमी कब कोरिया में आया था? ई सारामन, ये आदमी ओंजे कब हंगू के बस मिका कोरिया में आया था? कोरिया में आया था, ये पास्ट टेंस है, और ये वस्मी का इसकी स्टैम उदा है। पैराग्राफ पढ़ते हैं। छोनन छुंगु सारम इमिदा, इल्यन छोने हंगुगे इल्हारो वस्मिदा, अफ्रो इन थो हंगुगे सो सालम्यन सो इरारम इराल गमिदा, थोनल मानी मोन हुए खोयंगे थोड़ा खासो शिबल सारियो गमिदा। हाँ जी, कहाँ से आया जी, कब कोरिया में आया जी? छोनन छुंगुक सारम इमिदा, मैं चाइनीज़ हूँ, छुंगुक सारम चाइनीज़ आदमी हूँ। इल्लियन छोने, एक साल पहले हंगुगे इल्हारो कोरिया में काम करने के लिए वस्मिदा आया था। ये ख्वागो है, उदा इसकी स्टैम है। अफरो आइंदा इन फ्यूचर इन थो हंगुगे सो, 2 साल मजीद कोरिया में इन थो, 2 साल मजीद हंगुगे सो कोरिया में साल में सो रहते हुए इलहाल गमी का गमीदा काम करूँगा। ये फ्यूचर टेंस है मीरे, इलहाल गमीदा उल गमीदा ये फ्यूचर टेंस की निशानी है। थोनल मानी मोन हुए और पैसे ज़्यादा इकट्ठे करने कमा कर, थोन पैसे मानी मोन हुए मोदा इकट्ठा करना, मोन हुए इकट्ठे करने के बाद, हुए के बाद खो यांगे थोड़ा खासो, और होम टाउन में वापस जाकर खो यांगे, होम टाउन में थोड़ा खासो वापस जाकर छिबल सारियो गमीदा घर खरीदने का इरादा है। सारियो गो रेओ गो ग्रामर अजी मुंबब का इरादा है, छिबल सारियो गो अमीदा घर खरीदने का इरादा है जी। तो ये कब कोरिया में आया था, आपने पैराग्राफ सुना, और इसमें ओरे इस साल आया था, इल्यन छोने एक साल पहले आया था, ईन छोने 2 साल पहले आया था, सामने छोने 3 साल पहले आया था जी, कब आया था ये आपने जवाब देना है, और लास्ट में हम आपको छोंकदापन भी बताएंगे जी। थाम पैराग्राफ, ई सारामन हंगुक उमछी चुंगे सो बोसल छेल स्वामी का, ये आदमी कोरियन खानों में से किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? छेल स्वामी का सबसे ज़्यादा पसंद करना। हंगुक उमछिक चुंगे सो, खानों में से, चुंगे सो में से बोसल किसको छेल स्वामी का पसंद करता है? छोनन हंगुक उमछिकुल छोआमिया छोआमिदा खुरे सो हंगुक चिकतंगे छाजू गमिदा, अंगूक चिकना सो फुल गोगी किमची चिगे थिंचंग चिगे सुंदुब चिगे बिबिम फबल फमिदा, चौनल खू चुंगे सो फुल गोगी रोल छेल छुआजिमन फी सागित्य मुने छाजो मोगल सो अपस्मिदा। मैं चौनल हंगुक उमछिगुल छुआमिदा, मैं कोरियन खाने पसंद करता हूँ, हंगुक उमछिक कोरियन खाने छुआमिदा पसंद करता हूँ, कुरे सो लिहाजा अंगुक चिकतांगे छाजू गमीदा, और कोरियन रेस्टोरेंट में अक्सर जाता हूँ, छाजू गमीदा अक्सर जाता हूँ। अंगुक चिकतांगे सो और कोरियन रेस्टोरेंट में फुल गोगी किमची चिगे थिंजन चिगे सुंदुब चिगे बिबिम पब फमीदा, वहाँ पर बिकते हैं, सेल होते हैं, फादा सेल होते हैं फमीदा। आप जानते हैं कि कोई भी वर्ब जो
कोरियन में एंडिंग होता है या इमीदा लगता है या आयो ओयो उसके साथ लगाया जाता है थोंगसा के साथ। चौनन खू चुंगे सो और मैं उनमें से खू चुंगे सो उनमें से फुलगोगी रुल छेल छुआ जिमान। मैं उनमें से फुलगोगी को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, छेल सबसे छुआ छुआ जिमान पसंद करता हूँ। लेकिन जीमन लेकिन पीस सागी ते मुने महंगी होने की वजह से गी ते मुने की वजह से गी ते मुने की वजह से छाजू मकुल सो अपस्मिता अक्सर नहीं खाता क्योंकि महंगी जो है छाजू मुगल सो अपस्मिता नहीं खा सकता, मुगल सो अपस्मिता नहीं खा सकता। उल्सू उल्सू इतना कर सकता हूँ, उल्सू अपता नहीं कर सकता, ये अगर मुंबब है। चलें जी, कौन कौन सी डिश है जो इसको सबसे ज़्यादा पसंद है? इल्बा फुल गोगी ईबन पीबिम पाप साम्बन खिमची चिगे साबन थेंचन चिगे। जी छोंदाबन बोयो संग बोगो थे दबाशयो। अच्छा था मुझे ई सारा में योंग वा थोंगसे म्यसल छाएगा नमिका। ये आदमी जी, इस आदमी का अपने बड़े भाई और छोटे भाई से उम्र में क्या डिफरेंस है? योंग बड़ा भाई गुआ और थोंगसे छोटा भाई, म्यसल कितने साल का छाई छाएगा नमिका। छाई कहते हैं डिफरेंस को। हाँ जी, कितना डिफरेंस है जी? उरी योंजेन उरी योंगजे योंगजेन मधु सम योंगजे ये यो योंग छो थोंगसे की इरोखे आदल मन से म्योंगी ये योंगन छो बदा से सारी मंखो थोंगसेन छो बदा तू सारी छगो यो। और यो चलते न सौरो मानी सवच्ची मन सिकमन आजू साएगा छुआयो। जी ये कितने बहन भाई हैं और इसका कितना डिफरेंस है जी उम्र का, अभी हम देखते हैं, इसकी एक्सप्लेन करते हैं। उरी योंगजेन हमारे भाइयों में से, हमारा बड़ा भाई छोटे भाइयों में से मोदु सम योंगजे यो, हम टोटल तीन हैं। ये कितने ये भाई हैं? तीन हैं। योंग बड़ा भाई, छो मैं थोंगसंगी छोटा भाई, यानी कि बड़ा भाई मैं और छोटा भाई इरो के इस तरह आदल मन से मेंगे हो। सिर्फ भाई भाई हैं, बहन कोई नहीं है, तीन आदमी हैं। यंगन छोबोदा और मेरा बड़ा भाई मुझसे, छोबोदा मुझसे देन हमने पीछे भी पढ़ा, मुझसे से सारी मांखो तीन साल बड़ा है। और ये गो हमने यहाँ वर्ब में यूज हुआ एंड के तौर पर, एक कनेक्टर के तौर पर, थोंगसेगन और छोटा भाई छोबोदा दो सारी छगोयो और छोटा भाई मुझसे दो साल छोटा है, छगोयो छोटा है। और यह चलते नोन बचपन में, और यह चलते बुथो आपने पढ़ा, और यह चलते नोन बचपन में सौरो एक दूसरे से, ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है और आपने इसको याद करना है, सौरो एक दूसरे से मानी सवत चिमन लड़ते थे, लड़ाई करते थे, लेकिन जिमन लेकिन छिगमन आजू साईगा छुआयो। और अभी हमारे अंदर रिलेशन जो है वो ठीक है, सही है, जो है अब हम लड़ते नहीं हैं, लड़े हुए हैं। जी कितने साल का डिफरेंस था? दो साल, छः साल, नौ साल, दस साल। जी जो आप सोचा जी आपने, क्या इसका छोंग दामन जी, बाद में आपको छोंग दामन भी बताएंगे, लेकिन पहले आपने एफर्ट करनी है। था मुझे ई सारा में फ्योंग वन सो हाजी आनंद गोसल खुरशिपशियो, यानी इस आदमी ने हॉस्पिटल में जो काम नहीं किया उसको सिलेक्ट करें, उसको बताएं। फ्योंग वन सो हॉस्पिटल में हाजी आना जी आंदा नहीं करता है, नहीं किया करने वाला खुरशिपशियो सिलेक्ट करें, खुरदा सिलेक्ट करें। औजे फम बुतो मोरेगा आपको योरी मानी नस्मिता, खुरे सो छोनन ओनल फ्योंगने कस्मिदा, फ्योंगने नन आपन सारमद्री मनस्मिदा, ईसा संसगनेमी नायगे खमगी मिदा रागो मरस्मिदा, छोनन फ्योंगने सो छूसारोल मक्को याकु के सो यागल सा खाजिगो छिब्रो थोरबस्मिदा, यागल मक्को
일찍 자려고 합니다. 지, इस बंदे को क्या हुआ और हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर ने क्या कहा और कौन सा काम जो इसने हॉस्पिटल में नहीं किया, ये हमें सवाल दिया गया है। ओजे फम्बुतो कल रात से, ओजे कल फम्बुतो रात से मोरीगा आपको सर में दर्द और योरी मानी नस्मिदा और बुखार बहुत था। यल कहते हैं बुखार को, मानी नस्मिदा बहुत ज़्यादा था, खुरे सो लिहाजा छोनन ओनल फ्योंगो ने खस्मिदा। और आज मैं हॉस्पिटल में गया, फ्योंगो ने खस्मिदा हॉस्पिटल में गया, फ्योंगो ने नन अपन सारम दुरी मांग मनस्मिदा। और हॉस्पिटल में मरीज बहुत थे, अपन सारमी यानी जिनको दर्द हो रही थी, बीमार आदमी बहुत थे। ये सब सोचने में ना आगे खमकी इमिदा रागो मरस्मिदा। और डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आपको खमकी नज़ला ज़ुकाम ठंड लग गई है, रागो मरस्मिदा बात की, ये डायरेक्ट इंडक्ट वाला फिक्र है। रागो मरस्मिदा मुझसे कहा छोनन फ्योंगो ने छो, मैंने हॉस्पिटल में छूसा रोल मक्को टीका लगवाया, छूसा रोल मक्ता, ये बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है हॉस्पिटल की लैंग्वेज में, छूसा रोल मक्ता टीका लगवाना। और याकू के सो और फार्मेसी से यागल साख हाजी को छिबरो थोड़ा बसमीदा, फार्मेसी से दवाई खरीद कर, दवाई साख खाजी को खरीद कर लाना। खाजी को मैंने आपको पहले पढ़ाया था, खाजी को किसी बेजानदार चीज़ को साथ लाना, थेरी को, जानदार को और मौसी को, सीनियर सिटीजन को, सीनियर वी शर्म को यानी नो फीमेल, खाजी को छिबरो थोड़ा बसमीदा, घर को लौटा, थोड़ा थोड़ा उदा घर को वापस आया, यागुल मक्को दवाई खाई और इलचिक छारियो वो हमीदा, और जल्दी इलचिक जल्दी छारियो वो सोने का इरादा किया। यागल यागल फदस्मिदा, इसने दवाई ली, छूसा रोल माच अस्मिदा टिकल हुआ, ऐसा ऐसा रोल मन अस्मिदा डॉक्टर को मिला, आपन सारम अल फस्मिदा। और मरीजों को देखा, सिक पीपल को देखा, जी ई सारा में फ्योंग ने सो हाजी अनंग गोसल रिसेप्शियो, इस आदमी ने हॉस्पिटल में जो काम नहीं किया यानी जितनी नीचे देगी ऑप्शन में से उसको, यानी ये गलत जवाब आपने इसमें से चूज़ करना है। जब भी एमसीक्यूज़ में या तो दुरुस्त पूछा जाता है या उसके रिलेटेड नहीं है जो वो पूछा जाता है, यानी गलत जवाब पूछा जाता है, या तीन तीन सही होंगे या तीन गलत होंगे, यानी एक सही होगा या एक गलत होगा एमसीक्यूज़ में से। तो जब भी आप इस तरह के एमसीक्यूज़ वाले सवाल का जवाब दे रहे हैं तो इसको क्लिक लाजमी करना है, यानी इसको चेक लाजमी लगाना, एक को ज़रूर सिलेक्ट करना है, कभी दो को सिलेक्ट नहीं करना। ये था मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ई हक्सागन बोशी थेगो छिप्पू हमेगा, ये स्टूडेंट क्या बनना चाहता है, इसकी विश क्या है, क्या इसकी ख्वाहिश है जी। अच्छा मंजो थुक्को तारा शिक्षियो, मैं पढ़ता हूँ और आप सुने और पढ़ें, इसकी प्रैक्टिस करें, यौन सब करें। छोनन छोदों हक्यो युक हक ने उन हक सिंह इको इको नाइनोन यल से सारे मिदा, छोनन छुक्कुरुल अजू छुआ सो इल हक ने उनते बुथो छुक्कुरुल हाकी छिगे छिझक स्मिदा, छोनन आजू पाली थाली थालिल सु इको आजू नुप के जोम्स तो हल सु सुमिदा, छे कुमल युम्यम हन छुक्कू सोनसुगा देनन को सुमिदा। छोनन खोदंग छोदंग हक्यो युक हक नन हक सिंह इको, मैं प्राइमरी स्कूल का 6 लेवल का स्टूडेंट हूँ, नाइनन यल से सारिमिदा, और मेरी उम्र 13 साल है। छोनन छुक्कू रुल आजू छुआ है सो, मैं फुटबॉल बहुत पसंद करने की वजह से, छुक्कू कहते हैं फुटबॉल को, बहुत पसंद करने की वजह से इलाक ने उनते बुत्थो पहले साल से छुक्कू रुल हाकी शिजे किस्मिदा, मैंने पहले साल से फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था। छोनन आजू पाली थाली के रोल थालिल सु इको, मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ, थाली थाली का रन करना, रनिंग करना तेज़,
उलझू इको दौड़ सकता हूँ, आजू नोप के जंप्स तो हल सुमिदा, और बड़े जंप भी लगा सकता हूँ, आजू नोप के ऊंचे ऊंचे जंप्स तो हल सुमिदा लगा सकता हूँ। छे कुमुल और मेरा ड्रीम, कुम कहते हैं ड्रीम को, कुमुन छे कुमुन, युम्योंहन मशहूर, छुक्कू संसुगा देनों की सुमिदा, फुटबॉल प्लेयर छुक्कू फुटबॉल सोनसुगा देनन को शिमिदा, फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ जी। ये बंदा क्या बनना चाहता है जी? छुक्कू सोनसु फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है, थालेगी सोनसु रनर बनना चाहता है, नुफी तीगी सोनसु बना यानी कि जंपर बनना चाहता है, जंप का लगाने वाला प्लेयर बनना चाहता है। साबन छोदों हक्यो सनसग्रम और एलिमेंट्री स्कूल टीचर बनना चाहता है जी। इसका ड्रीम क्या है, इसकी विश क्या है, इसका शौक क्या है, क्या बनना चाहता है? संगे के बोगो थे दबा से लो। अच्छा माजी मगरो, आज का ये आखिरी पैरा पढ़ेंगे, इसके बाद हम ये 10-10 पैराग्राफ की सीरीज चलाएंगे और 16 वीडियो बनाएंगे। आप सारी वीडियो देखें तो इंशाल्लाह रीडिंग के पेपर में आप अच्छी तरह रीड भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, और जल्दी से आप इसका थेदत भी दे सकते हैं। ई सारामन छीनन चू थोये रे बोसल हिस्मिका, इस आदमी ने पिछले हफ्ते सैटरडे को क्या किया था? थोये रे सैटरडे को बोसल हिस्मिका किया था, ये भी ख्वागो है, पिछली बात की जा रही है। छोनन उन्दोल छल मुथम्मिदा, खुरचिमन उन्दोंग ख्योंगिरोल खुगंग हानन गोसोन स्वामिदा, कुरेसो शिगानी सल्द मादा उन्दोंग ख्योंगिरोल बोरो गमिदा। छिनंजू थोयो इरेनन छिंगु हागो खाची वर्ल्ड कप ख्योंगी जंगे खासो छुक्कू ख्योंगिरोल फस्मिदा। ओंगवोनुन हामेंसो नोरेदो फुर्गो सोरीदो चिल्लोसो मोगी अफोस्मिदा। कृचिमन छेगा उंगवन हन थिमी इग्योसो खिबुनी छम छस्मिदा। जी हम अब इसको असल में एक्सप्लेन करते हैं। छोनन उन्दों उन्दों छल मथमिदा, इसको खेलना अच्छा नहीं आता, उन्दों एक्सरसाइज करना खेलना छल मथमिदा इसमें अच्छा नहीं है, अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकता। क्रचिमान लेकिन उन्दों ख्योंगी रोल और मैच को गेम को, ख्योंगी कहते गेम को, खूगियों हनन को सो उसको देखना उसको वाच करना स्वामिदा पसंद करता हूँ। कुरेसो लिहाजा छिगानी इस्तल ते मादा, जब भी टाइम मिले छिगानी इस्तल ते मादा, जब भी टाइम मिले उन्दों ख्योंगी रोल बोरो गमिदा, और मैच गेम देखने के लिए, उन्दों ख्योंगी गेम मैच देखने के लिए बोरो गमिदा देखने जाता हूँ। छिनन चूत हो रहे, और पिछले सैटरडे को छिंगू हागो खाची दोस्तों के दोस्त के साथ इकट्ठे वर्ल्ड कप ख्योंगी जंगे, और वर्ल्ड कप स्टेडियम में खासो जाकर चुक्कू ख्योंगिरोल फस्मिदा फुटबॉल का मैच देखा था, ख्योंगी गेम मैच फस्मिदा देखा था। ये ख्वागो है हो इो योजे मेरे अनि हो इको ख्वागो है हो। उंगवनोल हर हमियांसो और टीम को सपोर्ट करते हुए नारे लगाते हो, उंगवोनोल हामियांसो नोरे दो फुर्गो गाने गाते, नोरे दो फुर्दा फुर्दा गाने गाना, और सोरी दो छिल्लो सो और सोरी दो छिर में सो यानी के चीखे मारना, सॉरी आवाज निकालना, नारे लगाना मोगी फस्मिदा गला खराब हो गया। क्रोचिमान लेकिन छेगा उंगवोन हन थिमी और मेरी सपोर्ट करदा टीम, जिसको मैंने नारे लगा अगले सपोर्ट किया था, इग्योसो विन करते हुए जब उसने विन किया तो खिबुनी छम छस्मिदा, मेरा मूड अच्छा हो गया, फीलिंग मज़ा आया। यानी कि आप एक मैच दे रहे हैं तो आप एक टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो जीत जाती है तो आपको मज़ा आता है जी। इस बंदे ने पिछले हफ्ते सैटरडे को क्या किया था? अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। छिंगू व खाची छुक्कुरोल हिस्मिदा दोस्त के साथ इकट्ठे फुटबॉल खेला था, छिंगू व खाची नोरे बांगे खस्मिदा दोस्त के साथ स्टूडियो गए थे, नोरे बांगे गए थे,
गाने थे, गए थे चिंगू का खच्ची, दोस्त के साथ छीने ख्वांग ख्वांग और हिस्मिदा शहर देखने गए थे, छीने शहर को ख्वांग ख्वांग साइट सीइंग देखने के लिए, उसके कुछ मनाजर देखने के लिए गए थे। छिंगू व खाची दोस्त के साथ कट्ठे उमदों क्योंगी रोल खूगियों हिस्मिदा मैच देखा था जी। तो इन्होंने क्या किया था जी पिछले सैटरडे को, तो अब हम इसके छोंग दाबन देखते हैं जी। छप पहुंचे, पहले क्वेश्चन का जवाब इल्बन, दूसरे का संबन, तीसरे का इबन, चौथे का संबन, पांचवें का ईबन, छठे का इल्बन, सातवें का साबन, आठवें का इल्बन, नौवें का इल्बन और माजी मगरो आखिरी सवाल का साबन, ये छोंगदा बने ये दोस्तों। तो आपने खूब इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है, इनको बार बार सुनना है। अगर आप इसको देख नहीं सकते तो आप इसको बार बार सुनें ताकि आपकी सुनने की सलाहियत भी इम्प्रूव हो कि क्या कहा गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल सुनना ही होता है। जब आप किसी बंदे को सुन रहे हैं, अगर आपने अच्छी तरह सुना ही नहीं तो आप थेदब यानी जवाब भी नहीं दे सकते। तो आप इसको गौर से सुनें और इन पैराग्राफ को पढ़ें। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।